हेलो एवरीवन, इस वीडियो में 38 साइज़ कटोरी ब्लाउज की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूँगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 80 सेंटीमीटर। कटिंग हमें लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। फैब्रिक को टू फोल्ड में रखते हुए नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करना है। अब हमें ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। ब्लाउज की टोटल लेंथ है 14 इंच, 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच पर मार्क करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमें शोल्डर का हाफ लेना है। शोल्डर है 14, उसका हाफ 7, 7 में से हमें 1.5 इंच माइनस करके 5.5 इंच लेना है। आर्म होल लेंगे 6 इंच पर। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है 5.5 इंच, आर्म होल लिया है 6 इंच। यहाँ से हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 38 का फोर्थ पार्ट 9.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट है 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच, 1 इंच बैक टक्स, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें 1 इंच पर आर्म होल का शेप देना है। यहाँ से हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है। लेंथ के लिए भी मार्क करेंगे 4.5 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेंटर लाइन से हाफ हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड और वेक टक्स की मार्किंग करनी है। फिटिंग साइड पर हमें हाफ इंच पर मार्क करना है और इसे हमें टक से मिलाना है क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हुए। अब हमें नेक की विड्थ की मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर। लेंथ के लिए मार्क करेंगे 11 इंच पर। नीचे की साइड से विड्थ लेनी है 3 इंच। दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर राउंड नेक का शेप देना है। आप चाहें तो कोई और नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई और शेप भी दे सकते हैं। साइड का एक्स्ट्रा पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। फैब्रिक को इस तरीके से टर्न करना है और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए नीचे से फैब्रिक को सीधा करना है। फैब्रिक को टू फोल्ड में रखना है। नीचे से हमें लेंथ को बढ़ा लेना है। 1 इंच पर मार्क करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर पर हमें आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लेना है 0.3 इंच। उसके ऊपर बैक पार्ट को ओवरलेप करेंगे और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज मार्किंग लेनी है। बैक पार्ट को हटाना है। यहाँ पर हमें आर्म होल को फिर से ड्रॉ करना है। दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ करेंगे और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। बेल्ट की मार्किंग करनी है 3 इंच पर। 3 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करते हुए बेल्ट के लिए राउंड शेप देना है। नेक की विड्थ की मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर। लेंथ के लिए मार्क करेंगे 7 इंच पर। दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमें 5 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से 5 कॉर्नर वाला शेप ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंच नेक को बढ़ाते हुए इस तरीके से शोल्डर से मिलाएंगे। यहाँ से हमें चेस्ट को 6 से डिवाइड करना है। चेस्ट है 38, 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.3 इंच के समथिंग। मैंने यहाँ पर 6.5 इंच लिया है। यहाँ से हमें 2.5 इंच पर मार्क करते हुए इसे हमें नेक से मिलाना है। इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें राउंड शेप दे देना है कटोरी के लिए। जो कॉर्नर है वो नहीं रखना है। यहाँ से हमें हाफ इंच पर मार्क करके इसे हमें यहाँ पर मिलाना है और अब हमें कटिंग करनी है। स्ट्रेट में कटिंग करेंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देना है। साइड से कटिंग करनी है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करेंगे। आर्म होल की साइड पर हमें अंदर की मार्किंग पर कटिंग करनी है। कटोरी वाले पार्ट को भी कट करेंगे। उसके बाद हमें नेक की कटिंग करनी है। आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट का फोर्थ पार्ट और 2.5 इंच मार्जिन लेते हुए देखिए इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमें टक्स पॉइंट लेना है। 10.5 इंच पर लेंगे। टक्स पॉइंट के लिए मार्क कर लेंगे कटोरी वाले पार्ट पर। कट कर लिया है। इसे हमें क्रॉस में रखना है कटोरी को। ये कटोरी हमें बढ़ानी है कटोरी के साइज़ को, तो इस तरीके से क्रॉस फैब्रिक पर रखना है। पिनअप कर लेंगे। नीचे की साइड पर दोनों ही साइड से 1.25 इंच पर मार्क करना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें इसका सेंटर निकालना है। 9.5 इंच का सेंटर लेंगे।
और सेंटर के नीचे की साइड पर हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है और इस पॉइंट से हमें दोनों ही पॉइंट को क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हुए मिलाना है। इस पॉइंट को हमें ऊपर मिलाना है नेक की साइड पर और यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देते हुए मार्किंग लेनी है। देख सकते हैं आप मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया है। इस कटोरी को हटाएंगे टक्स पॉइंट पर मार्किंग करते हुए, पहले कर लेंगे मार्किंग उसके बाद इसे हटा देंगे। तो साइड से हमें स्टा पार्ट को कट कर लेना है। जो ये हमने जो नई कटोरी कट करी है इसी को हमें पार्ट पर स्टिच करना है। सेंटर से कटोरी वाले पार्ट को फोल्ड करना है, बराबर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें हाफ इंच स्टिचिंग का छोड़ते हुए कटोरी का हाफ लेना है। जैसे हमने 6 इंच पर कटोरी कट की है 6.5 इंच पर, तो उसका हाफ ले लेना है 3.25 इंच और जो एक्स्ट्रा है पार्ट उस पर हमें टक्स लगाना है। अब हमें बैक आर्म होल को मेजर करना है स्लीव कटिंग के लिए। तो ऊपर हाफ इंच स्टिचिंग का छोड़ते हुए आर्म होल आ रहा है 10 इंच। फैब्रिक को फोर फोल्ड करना है 10 इंच पर, तो यहाँ पर ऊपर की साइड पर फैब्रिक कम है वहाँ पर हमें जॉइंट लगाना होगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें स्लीव की लेंथ लेनी है। स्लीव की लेंथ है 3 इंच, तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 4 इंच लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। ओपन साइड पर हमें डाउन मार्क करना है 2.5 इंच और इस तरीके से हमें स्लीव का शेप देना है। स्लीव राउंड का हाफ लेना है 7 इंच, 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। इस मार्किंग को आर्म होल से मिलाकर स्लीव को कट करेंगे। स्लीव को ओपन करेंगे और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। तो जिस तरफ ज्वाइंट नहीं लगाना है वहाँ पर हमें कटिंग करनी है और यहाँ पर ज्वाइंट भी कट कर लेना है हमें। और ज्वाइंट लगाने के बाद हमें स्लीव के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है एक्स्ट्रा पार्ट को। मेन फैब्रिक को टू फोल्ड में रखना है। टू फोल्ड पर रखते हुए बेल्ट को एज इट इज कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को हमें फोल्ड साइड पर रखते हुए कट करना है और स्लीव को कट करना है हमें 4 फोल्ड फैब्रिक पर। कटोरी की कटिंग हमें क्रॉस फैब्रिक पर ही करनी है। अब हमें स्टिचिंग करनी है दोनों ही पार्ट को। कटोरी वाले पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए चारों ही साइड से स्टिच लगानी है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे। तो जो ये मेन फैब्रिक है वो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, तो हमें पिनअप करके ही स्टिच लगानी है और टक्स पर भी हमें स्टिच लगा लेनी है। साइड का एक्स्ट्रा पार्ट कट करेंगे। लाइनिंग पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेना है। टक्स पर भी हमें हाफ इंच स्टिचिंग का छोड़ते हुए एक्स्ट्रा पार्ट कट करना है और अब हमें टक्स लगाना है। दूसरी कटोरी भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे। अब हमें साइड वाले पार्ट को स्टिच करना है। दोनों ही पार्ट को आमने सामने रखना है रोंग साइड पर, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए अच्छे से पिनअप करना है, उसके बाद हमें स्टिच लगानी है। चारों साइड से स्टिच करेंगे और साइड का एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेना है। दोनों ही साइड के पार्ट को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब हमें साइड वाले पार्ट पर कटोरी को स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमें नेक की साइड से स्टिच लगानी है, जिससे कि नेक का जो शेप है वो एज इट इज ही रहे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों ही पार्ट को स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम आई और हुक की पट्टी का मार्जिन छोड़ेंगे तो ये जो कटोरी वाला पार्ट है वो 6.5 इंच का ही रहेगा। अब हमें बेल्ट की स्टिचिंग करनी है। दोनों ही पार्ट को आमने सामने रखना है, दोनों ही बेल्ट को, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए स्टिच लगानी है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे। साइड से स्टफ फैब्रिक कट कर लेना है। दोनों ही बेल्ट कंप्लीट करेंगे और अपर पार्ट पर हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो
अपर पार्ट को राइट साइड, बेल्ट को रोंग साइड पर रखते हुए सेंटर से हमें स्टिच लगानी है हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। यहाँ से जो स्ट्राइप से कट कर लेंगे, दोनों ही पार्ट इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है तो क्रोस में पट्टी ली है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक पट्टी को किस तरीके से कट किया है। ए शेप पर रखते हुए पट्टी को स्टिच करना है। सारी ही पट्टी को इसी तरीके से ज्वाइन करेंगे। अब हमें यहाँ पर डोरी पाइपिंग बनानी है, तो यहाँ पर लेना है पाइपिंग थ्रेड। जो जॉइंट है उसका फैब्रिक जो है उसे खोल लेंगे इस तरीके से दोनों ही साइड। पाइपिंग थ्रेड को पट्टी के अंदर रखते हुए यहाँ पर स्टिच लगानी है, डोरी पाइपिंग बनाएंगे। थ्रेड के बिल्कुल पास से ही सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग थ्रेड पाइपिंग बना ली है और अब हमें पार्ट और डोरी पाइपिंग को बिल्कुल राइट साइड पर रखना है और नीचे की साइड पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगानी है। मार्जिन जो है उसे पट्टी से कवर करेंगे और एक स्टिच और लगाएंगे जहाँ पर हमने अभी स्टिच लगाई है उसी के ऊपर से। यहाँ कॉर्नर पर हमें कट लगा लेना है, डीप कटिंग करनी है और इस तरीके से पट्टी को पलट लेंगे और डोरी पाइपिंग के बिल्कुल पास से ही सिलाई लगानी है। और उसके बाद हमें साइड से एक स्टिच और लगा लेनी है। अब हमें बनानी है आई और हुक की पट्टी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आई की पट्टी। पट्टी की विड्थ है 2.5 इंच। लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है। 1 फुट के गैप पर स्टिच किया, ओपन करेंगे और नेक की साइड पर हमें स्ट्रा पट्टी रखनी है फोल्ड करने के लिए। जो नेक की साइड पर पट्टी है उसे फोल्ड करेंगे और स्टिच लगाएंगे। साइड से और ऊपर की साइड से भी हमें पट्टी को फोल्ड कर लेना है। अब हमें सेंटर से पट्टी को फोल्ड करना है और स्टिच लगानी है। देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर हमें 1 फुट के गैप पर एक स्टिच और लगा लेनी है। आई की पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हमें बनानी है हुक की पट्टी। पट्टी की विड्थ यहाँ पर ली है 1.5 इंच। स्ट्रेट पट्टी लेनी है। नेक की साइड पर हमें स्ट्रा मार्जिन रखना है पट्टी को फोल्ड करने के लिए। पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच और लगाएंगे पट्टी के ऊपर से। अब हमें पूरी पट्टी को रोंग साइड टर्न करना है और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और लगा लेनी है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखना है। अगर कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा हो रहा है तो नीचे की साइड से कट करके बराबर करेंगे। अब हमें वेस्ट पर भी डोरी पाइपिंग बनानी है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेट पट्टी पर डोरी पाइपिंग बनाई है। नीचे की साइड पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे और मार्जिन को कवर करना है पट्टी से और एक स्टिच और लगानी है सेंटर पर पट्टी को फोल्ड करते हुए। पूरी पट्टी को टर्न करना है और पाइपिंग निकालते हुए स्टिच लगानी है। दूसरे साइड पर भी इसी तरीके से डोरी पाइपिंग लगाएंगे वेस्ट साइड पर। तो फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो रोंग साइड पर रखते हुए इसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखा, साइड से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लिया। अब हमें नेक की कटिंग करनी है। मार्किंग दिख रही है उसी के ऊपर से हमें स्टिच कटिंग करनी है। ओपन करेंगे और यहाँ पर पार्ट ओपन है तो यहाँ से स्टिच लगानी है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर भी डोरी पाइपिंग से नेक की फिनिशिंग करनी है। पार्ट और डोरी पाइपिंग दोनों को ही राइट साइड पर रखना है और डोरी के बिल्कुल पास से ही सिलाई लगानी है। मार्जिन को कवर करना है पट्टी से और एक स्टिच और लगानी है। जो स्टिच अभी लगाई है उसी के ही ऊपर से। पूरी पट्टी को टर्न करना है और डोरी पाइपिंग बनाते हुए स्टिच लगानी है। यहाँ पर आप चाहें तो 1 फुट के गैप पर भी स्टिच लगा सकते हैं जिससे कि एक ही स्टिच में नेक की फिनिशिंग हो जाएगी, पर मैं यहाँ पर डबल स्टिच लगा रही हूँ। 1 फुट के गैप पर एक स्टिच और करेंगे।
टक्स लगाएंगे, स्ट्रेट में स्टिच करेंगे, उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर से स्टिच लगानी है। और इसी तरीके से दूसरे टक्स को भी स्टिच करेंगे। वेस्ट पर डोरी पाइपिंग बनानी है जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर बनाई है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखना है और शोल्डर को स्टिच करना है। नेक की साइड पर डाउन स्टिच लगानी है, देखिए इस तरीके से। ओपन करेंगे, एक स्टिच हमें राइट साइड पर भी लगानी है। शोल्डर को बराबर कर लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे कट कर देंगे। बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग लेनी है और सेंटर पर रखना है फ्रंट पार्ट को। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पार्ट को रखेंगे और पिनअप करेंगे। साइड से दोनों ही पार्ट को बराबर कर लेना है। आर्म होल की साइड पर भी चेक करेंगे, फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो उसे कट करके बराबर करेंगे। यहाँ पर स्टिच ओपन है तो स्टिच लगा लेंगे। स्लीव की स्टिचिंग करनी है तो दोनों ही स्लीव को आमने सामने रखेंगे फ्रंट कट को देखते हुए। दोनों फ्रंट का कट आमने सामने होना चाहिए। अब हमें देखिए स्लीव को मेन पार्ट को रोंग साइड, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए चारों साइड से स्टिच करके स्ट्रफ फैब्रिक कट कर लेना है। अब हमें स्लीव राउंड को फोल्ड करना है। तो ये स्लीव राउंड पर किनारे वाली साइड है तो हमें सिंगल फोल्ड ही करना है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और स्लीव राउंड पर हमें सेंटर मार्किंग लेनी है। यहाँ पर हमें लेस लगानी है और लेस की भी सेंटर मार्किंग कर लेनी है और सेंटर से लेस को स्टिच कर लेना है। डबल स्टिच लगा लेनी है लेस के दोनों कॉर्नर पर स्टिच लगाकर। स्लीव की सेंटर मार्किंग लेनी है। इसी तरीके से दोनों स्लीव कंप्लीट करेंगे। अब हमें ऊपर शोल्डर से स्लीव को स्टिच करना है फ्रंट कट को देखते हुए। जो हमने स्लीव पर फ्रंट कट किया है उसे फ्रंट साइड पर ही स्टिच करना है। ऊपर शोल्डर से स्लीव को हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाएंगे। इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्लीव को स्टिच कर लेना है। पार्ट को राइट साइड पर रखना है और 1 फुट के गैप पर स्टिच लगानी है। रोंग साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप पर एक स्टिच और लगाएंगे और यही स्टिच हमें दूसरी साइड भी लगानी है। पार्ट की सेंटर मार्किंग लेनी है और सेंटर से हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 38 का फोर्थ पार्ट 9.5 इंच। वेस्ट है 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाना है। स्लीव राउंड का हाफ लेना है 7.5 इंच, इसे भी हमें फिटिंग से मिलाना है। यही मार्किंग हमें दूसरी साइड भी लेनी है और मार्किंग के ऊपर से स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से कटोरी ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।